गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर कंप्यूटर क्लास एंड आई एम योर कंप्यूटर टीचर कोमल गोयल। स्टूडेंट्स, टुडे आई विल टीच यू थर्ड पार्ट ऑफ चैप्टर 1 ऑल अबाउट कंप्यूटर। इन आर प्रीवियस वीडियोस आई टॉट यू अबाउट द हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर एंड इन दिस वीडियो आई विल teach you about the types of computer। कंप्यूटर के आकार, तकनीक और उद्देश्यों के आधार पर कंप्यूटर चार प्रकार के होते हैं। फर्स्ट सुपर कंप्यूटर, सेकेंड मेन फ्रेम कंप्यूटर, थर्ड मिनी कंप्यूटर एंड फोर्थ माइक्रो कंप्यूटर। फर्स्ट वन इज सुपर कंप्यूटर। बच्चों, सुपर कंप्यूटर दुनिया का सबसे बड़ा और तेज कंप्यूटर है जो डेटा को बहुत तेज़ी से प्रोसेस कर सकता है। इसके आकार के कारण इसको रखने के लिए कम से कम एक हॉल की ज़रूरत होती है। यह एक बार में 100 से अधिक यूज़र्स को सपोर्ट कर सकता है। इसका उपयोग मौसम के पूर्वानुमान, मौसम विभाग और वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए किया जाता है। बच्चों, नेक्स्ट वन इज़ मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर उन कंप्यूटरों को कहते हैं जिनका उपयोग बड़े बड़े संस्थान भारी मात्रा में आंकड़ा संस्करण के लिए करते हैं। इसका आकार भी बड़ा होता है। लगभग सभी दृष्टियों से इनकी क्षमता अन्य कंप्यूटरों जैसे मिनी कंप्यूटर, सर्वर, वर्क स्टेशंस और पीसी की अपेक्षा बहुत अधिक होती है। बच्चों, ये है मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर मध्यम आकार के सामान्य उद्देश्य वाले कंप्यूटर होते हैं। इनकी संग्रहण क्षमता, कार्य करने की गति और कीमत माइक्रो कंप्यूटर की अपेक्षा अधिक होती है। इस प्रकार के कंप्यूटर पर एक समय में एक से अधिक व्यक्ति कार्य कर सकते हैं, लेकिन इनका उपयोग व्यक्तिगत कार्य में नहीं किया जा सकता है। इनका उपयोग प्रायः छोटी या मध्यम स्तर की कंपनियाँ करती हैं। बच्चों, ये है माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर एक ऐसा कंप्यूटर है जिसमें माइक्रो प्रोसेसर इसके सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के रूप में होता है। इनका आकार मेन फ्रेम और मिनी कंप्यूटरों की तुलना में छोटा होता है। इन्हें हम पर्सनल कंप्यूटर भी कहते हैं। कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, ये सभी माइक्रो कंप्यूटर के ही पार्ट होते हैं। इनका यूज़ शॉपिंग मॉल्स, स्कूल्स और घरों में किया जाता है। तो बच्चों, इस वीडियो में आपने कंप्यूटर के प्रकारों के बारे में पढ़ा। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड वेरी वेल। जय हिंद।